किससे? मेरे से सवाल है आपका। बेडिया फिल्म स्टूडियो हमेशा एल्बम्स फिल्म्स बनाते रहता है, और ये जो एल्बम है हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर जावेद अली भाई ने ये गाना गाया है और इसकी म्यूज़िक अमजद नदीम ने दी है। हम सब एक फैमिली होकर काम करते हैं तो हमारी एल्बम भी बहुत जल्दी बन जाती है, हमारी फिल्म भी बहुत जल्दी बन जाती है, हमसे लोग जुड़ते हैं तो हमको कभी छोड़ते नहीं, और छोड़ देते हैं तो हम उनको पकड़ के ले आते हैं। हमारा सिर्फ यही व्यवहार, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई मुकेश भाई जो आज इंडस्ट्री में 25 साल से DOP हैं, जय भाई जो एडिटर फोटोग्राफर डायरेक्टर, पर कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है, पर जब मेरी शूट होती है तो आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे छोटे भाई अभिषेक अवस्थी को आप इंडस्ट्री में सब जानते हैं, बहुत लंबा काम किया है, बहुत लंबा अरसा हुआ है। मेरे साथ में हैं महिमा जी, महिमा गुप्ता जी, इन्होंने भी काम किया है, पर और ये मेरा छोटू है, मतलब ये तो लॉन्च ही हो रहा है समझिए इस एल्बम से, तो ये एक टीम वर्क है पूरा, और हम हमेशा टीम वर्क के साथ ही काम करते हैं। आप यकीन मानिए हम 8-8 घंटे के अंदर एक एल्बम वीडियो बनाकर ख़त्म कर देते हैं, और हमारे एडिटर साहब एक दिन के अंदर पूरा एडिट कर देते हैं। ये एक सैड सॉन्ग इसे कह सकते हैं जो जावेद अली साहब ने गाया है, और ये जब ये एल्बम जब हम सबसे पहले आप ही को दिखाएंगे, आप सब मेरे जो पत्रकार मित्र हैं, जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको ये एल्बम की फील नहीं आएगी, इसमें आपको फिल्म के गाने की फील आएगी, यह एकदम तय बात है। और ये सैड सॉन्ग है, और इन्होंने तीनों जन ने इसमें काम किया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। हमारे मुकेश भाई ने, जय भाई, एक मैं तो सिर्फ एक इनकी बैकबोन हूँ, बाकी ये सब मेरे हाथ दिल आँख ऐसे हैं सब। लाइक आजकल जिस तरह के म्यूजिक वीडियोस चल रहे हैं, वेरी पैपी ट्रेंडी पार्टी नंबर, ये उनसे थोड़ा सा हटके है, स्टोरी मोड इसमें ज़्यादा है, रोमांस है, एक लव स्टोरी दिखाई है, एक लड़के और लड़की के बीच का जो विरह होती है कि जब दोनों में से एक नहीं होता है उसके बाद उसकी लाइफ कैसे उसकी याद में हो जाता है, इस तरह की चीज़ों का भी दर्शाया गया है। जावेद अली ने गाया है, गाना इतना ज़्यादा अच्छा है कि सुनते ही हमारे मुंह से, आई गेस महिमा के मुंह से भी सीधे लगे कि भाई ये गाना तो छोड़ने वाला नहीं बनता, और ऐसे गाने जल्दी नहीं बनते हैं। फिल्म का एक जो सॉन्ग होता है वैसा पूरी तरह से इसका फील है, एंड आप सभी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, और हमारा शूट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैंने फर्स्ट डे जब सॉन्ग सुना था सो आई एम लाइक कि नहीं, मुझे कैसे भी ये सॉन्ग करना है, एंड फर्स्ट डे हम भी थे, अभिषेक भी थे, तो हम दोनों ने साथ मिलके सॉन्ग सुना था, फिर सर से हमारी बात हुई और लाइक कैसे शूट करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि लाइक मैं ये सॉन्ग कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। होपफुली कि सॉन्ग को बहुत प्यार मिले और बहुत अच्छा हिट हो। आई एम रियली मतलब फॉर्चुनेट बोलूँगा कि संजय भैया जो कि मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं, इतने बड़े भैया ही हैं, उन्होंने इतने खूबसूरत गाने के लिए स्पेशली मुझे कॉल किया। मैं अपने होम टाउन कानपुर में था, उन्होंने कहा नहीं अभिषेक आगे मुझे फटाफट मिल, तेरे लिए एक बढ़िया गाना मैंने निकाल कर रखा है। मैंने आके सुना, मैंने तो भैया को गले लगा लिया कि भैया थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू भैया सच में इतने अच्छे गाने के लिए मुझे सिलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम उतने हो उस काबिल ही हो। यार गुड लुकिंग हैंडसम लड़का हूँ, दिल तो बिल्कुल, लव ब्रेकअप ये सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से मुझे एक्सपीरियंस है लाइफ में, कई कई बारों का है, इसीलिए शायद उन इमोशंस को अच्छी तरह से पर्दे को उतारने की कोशिश कर पा रहा हूँ। बाकी रेस्ट तो अच्छी टीम है, अच्छा काम निकल के ही आएगा।
बट मजा आ रहा है अब तक के, जैसे आपने और भी मेरे म्यूजिक वीडियोस देखे होंगे और काम देखा होगा, एक्टिंग वगैरह देखी होगी, इस तरह का मैं पहली बार ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ सीरियस टाइप में। आप पहली बार मुझे बियर्ड में भी देख रहे होंगे, तो इस तरह की चीज़ मेरे काम की पहली बार आपको, मेरी एक्टिंग पोटेंशियल काफ़ी हद तक इसमें देखने को मिलेगी। महिमा जी, आपने वेब सीरीज भी की है, गंदी बात है, फुद्दू है, और कई सारी वेब सीरीज, रेक्टेंगल एंड ऑल, मतलब म्यूजिक एल्बम में काम करते हुए कैसा लग रहा है आपको और कितना अलग फील होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना बड़ा सॉन्ग मिलना, लाइक ये तो बहुत किस्मत वाली लाइक बात है। तो मज़ा आ रहा है, जर्नी है, स्टार्ट कर रहे हैं और चलते जाना चाहिए, अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करना है और बहुत मज़ा आ रहा है। आपको आपको लगता है कि जैसे वेब सीरीज में आपने गंदी बात में काम किया था और आपकी एक सर्टेन इमेज बन गई थी लोगों के नज़रिए में कि मतलब कि हाँ बहुत ही सेक्सी सीरियंस का रोल करती हैं, ये एल्बम में आपकी उस इमेज को आपको आपको लग रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की मैंटेलिटी है, उनके सोचने का तरीका है, वो सोचते हैं कि सेक्सी लग रही है, ऐसी है, बोल सीन कर रही है। एज एन आर्टिस्ट आपको सब करना पड़ता है। एग्जैक्टली, जैसा इन्हें गंदी बात मिला उन्होंने अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से किया, जैसे इन्हें रक्तांचल में मिला उन्होंने उस चीज़ को तोड़ के एकदम डिफरेंट चीज़ अटेम्प्ट की और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें भी अपने झंडे गाड़े, एना एक अलग चीज़ मिल रही है, इसमें एक अलग इनका रंग देखने को मिला। वी आर एक्टर्स, वी जस्ट डू व्हाट वी आर टोल्ड टू डू, और पब्लिक तो कुछ भी कहेगी। मैं एक विषय इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी गाने से किसी की इमेज चेंज नहीं होती। कलाकार जो होता है, जो कला को आकार दे वो कलाकार, आप समझिए बात को। तो ये हर कला को आकार देने वाले लोग हैं। और मैं मेरे पत्रकार बंधुओं से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, हम जो करते हैं ये 30% है हमारा काम, और पर्दे के पीछे ये मुकेश भाई और जय भाई, आज का जो जमाना है, कंप्यूटराइज का जो जमाना है, 70% काम इनका रहता है, हमने हमारा काम फुलफिल किया, अब इन दोनों का काम रह जाता है। आज डेब्यू है इसका? हाँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज मैंने पहले बिहाइंड द कैमरा बहुत काम किया है, लाइक मेरे डैड को असिस्ट ही किया मैंने, बट ये मतलब अंकल के साथ फर्स्ट टाइम मिला मुझे, क्योंकि हमारे तो फैमिली रिलेशन है, और वही चीज़ है, मैं थोड़ा टाइस ही था फर्स्ट टाइम, अंकल ने बोला कि तू करना है ये साथ में, बट फिर गाना सुना तो ऐसा था कि नहीं अब करना है ये सॉन्ग। हाय, मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, काम करते हुए एक एक्टर का दिन जा रहा है, इससे अच्छा दिन हम में से किसी के लिए नहीं हो सकता है, सो आई एम हैप्पी एंड फुल ऑन पावर। यार सी, मैं हमेशा से ही आप लोगों ने देखा है मैं पर्सनल लाइफ को कभी भी मतलब ज़्यादा मीडिया में डिस्कस नहीं करता, मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत पर्सनल लगता हूँ, बट फिर भी आप लोग तक पर्सनल उतनी रहती नहीं, आप लोग तक पहुँची जाती है, बट ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ उसे पर्सनल रहने दो। फिलहाल प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। शी इज़ द वन मेकिंग द डे ब्राइटर एंड दिस इज द ब्राइटर कश्मीर। सो महिमा गुप्ता जी, काफ़ी सारे इन्होंने वेब सीरीज और शोज़ में, वीडियोज़ में काम किया है, एंड आज इनके साथ इस म्यूज़िक वीडियो में, जावेद अली जी के म्यूज़िक वीडियो में काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे साथ में। सो द डे इज़ गोइंग वेरी गुड, वी आर इन्जॉइंग, वी आर हैविंग फन, रेस्ट शी विल टेल यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको चीज़ें कहते हैं ना कि आपकी पांच उंगलियां घी में होती हैं, तो आज मेरे साथ वैसा वाला हाल है। एक तो सॉन्ग मुझे बहुत प्यारा मिल गया, मेरा कोई स्टार मुझे इतना प्यारा मिल गया। हाँ जरूर बेटा, अरे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जाना चाहूंगी मैं, लाइक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी एक्टर, तो मैं तो कहूँगा ऐसी अपॉर्चुनिटी तो भाई कश्मीर जाना बनता है, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं पे भी जन्नत है, स्वर्ग है, तो वो भाई कश्मीर है। लोग पागल होकर तो घूमने जाते हैं भाई, अपने देश में इतना दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, और कश्मीर से खूबसूरत तो कुछ नहीं, और कपूर खानदान के लोग इसीलिए कश्मीर में जाके इतना शूट भी करते थे, शमी जी, शशि जी एंड ऑल, सो कश्मीर इज कश्मीर। अच्छा, आप आज गाना भी शूट है, ऑडियंस से
फील भी है कैमरा पर्सन, अरे हाँ तो कुछ कहना चाहेंगे दोनों पहले आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे कश्मीर के लोग हैं और जो भी हमारे भाई हैं सबको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और एकजुट होकर रहिए। हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके। मैं कश्मीर 2 से 3 बार गई हूँ, जस्ट फॉर शूटिंग गई हूँ। लोकेशन बहुत प्यारी है और मतलब एक कहते हैं ना कि आपने कैमरा एंगल कहीं भी लगा दिया, बस आपको एक एक प्यारा सा बैकग्राउंड मिल जाएगा, आप शूट कर लोगे। वेदर बहुत प्यारा है, मज़ा आता है और हमें शूट करते रहना चाहिए वहाँ पे। वेल, मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली नहीं कि मैं कश्मीर जाके देख पाता, बट हाँ आई वॉन्ट टू गो देयर। डल झील, बोट हाउसेज, स्नो और सारे नेचर की जो सीनिक ब्यूटी है वो सारी मैं वाकई में देखना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ।